अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एबनॉर्मल डेवलपमेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको एक लफ्ज़ के बारे में जानना होगा कि एबनॉर्मल किसे कहते हैं। तो अगर डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं ये नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो वो जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छे तरीके से नहीं होगी, और उस डेवलपमेंट को जो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है वो डेवलपमेंट एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहलाती है। और बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मुताला करते हैं उस शाख का नाम है टेराटोलॉजी। और वो फैक्टर्स जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनते हैं उन फैक्टर्स को नाम दिया जाता है टेराटोजेंस। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं टेराटोलॉजी की। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, बायोलॉजी की वो ब्रांच या बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मुताला करते हैं और एबनॉर्मल डेवलपमेंट के मुताले के साथ साथ उन फैक्टर्स का भी मुताला करते हैं जो वजह बनते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट की। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं टेराटोलॉजी का। और वो तमाम फैक्टर्स जो सबब बनते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट का उन तमाम फैक्टर्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, टेराटोजेंस का। दो शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले टेराटोलॉजी और टेराटोजेंस। एबनॉर्मल डेवलपमेंट का जिस शाख में मुताला किया जाता है वो टेराटोलॉजी है, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, उनको हम नाम देते हैं टेराटोजेंस का। तो हमने इस चैप्टर, इस टॉपिक को जो है तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और लास्ट में आता है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। तो वन बाय वन करके एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। अगर एबनॉर्मल जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, अगर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स वालदैन से बच्चों में जाते हैं तो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं अगर एबनॉर्मल जीन्स की वजह से है तो आप कह सकते हैं इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। मतलब अगर डिफेक्टिव जीन्स इनहेरिटेड हो जाए ऑफस्प्रिंग में, खराब जीन, मुतासरा जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर चले जाते हैं तब जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी उसको हम कह सकते हैं वो किस वजह से है, एबनॉर्मल जीन की वजह से है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में आप ध्यान में रखेंगे कि जो हीमोफीलिया का मर्ज है ये ज्यादातर मुतासर करता है किस चीज को, मेल को। मतलब ज्यादातर सफर क्या कौन होते हैं, मेल होते हैं, मेल ज्यादातर मुतासर होते हैं और फीमेल के अंदर इसके चांसेस कम होते हैं। आप कैसे इसकी वजाहत करते हैं देखें। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होगा कि ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। किस चीज का जीन, हीमोफीलिया का जीन। वाई क्रोमोसोम पर नहीं होगा, एक्स क्रोमोसोम पर होगा। तो मेल के लिए दो कंडीशन आ सकती हैं, एक्स वाई। मेल के लिए एक्स और वाई, एक्स के ऊपर अगर कैपिटल एच आ जाए, अगर कैपिटल जीन आ जाए तब जो मेल होता है वो नॉर्मल होता है, वो बीमारी का से मुतासर नहीं होता। अगर एक्स के ऊपर स्मॉल एच आ जाए, अगर एक्स के ऊपर स्मॉल एच आ जाए तो जो मेल होगा वो एबनॉर्मल होगा।
इसी वजह से कहते हैं 50-50% चांसेस हैं कि मेल या तो एबनॉर्मल हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, 50-50% चांसेस हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर हमेशा डबल एक्स पाया जाता है, ये बात आपने लाज़िम भी ध्यान रखनी है। अगर फीमेल के पास एक एक्स के पास कैपिटल एच, दूसरे के पास भी कैपिटल एच, तब जो फीमेल पैदा होगी वो नॉर्मल होगी, उसको हीमोफीलिया नहीं होगा। इसी तरह अगर देखा जाए एक्स के ऊपर कैपिटल एच, एक्स के ऊपर स्मॉल एच, यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, होगी फीमेल, लेकिन ये कैपिटल एच नॉर्मल को शो करता है, स्मॉल एच एबनॉर्मल को शो करता है, लेकिन यहां पे कैपिटल एच जो है वो डोमिनेंट आ जाता है स्मॉल एच पर, एबनॉर्मैलिटी छुप जाती है, नॉर्मैलिटी शो होती है, जिसकी वजह से जो फीमेल होगी वो एबनॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल होगी। इसी वजह से कहते हैं फीमेल के अंदर 75% चांसेस जो हैं वो ये होते हैं कि फीमेल एबनॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन सिर्फ 25% चांसेस होते हैं कि फीमेल जो है वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। इसकी वजह देखें, अगर इस एक्स पर भी स्मॉल एच आ जाए, इस पर भी स्मॉल एच आ जाए, दोनों के ऊपर स्मॉल एच आएगा तब फीमेल जो होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मेल के अंदर 50-50% चांसेस होते हैं कि वो बीमार हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फीमेल के अंदर 75% चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल होगी और 25% चांसेस होते हैं कि वो एबनॉर्मल होगी। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हमने क्रोमोसोम्स की बात नहीं की, जीन्स को आगे लेकर गए हैं, जीन्स की वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है एबनॉर्मल वो किस चीज की वजह से हुई है, एबनॉर्मल जीन की वजह से। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम एबनॉर्मल इसका क्या मतलब है, क्रोमोसोम्स मिसाल देते हैं इंसान की, हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, अगर 46 से ज्यादा क्रोमोसोम चले जाएं फिर भी एबनॉर्मैलिटी, अगर 46 से कम क्रोमोसोम चले जाएं फिर भी एबनॉर्मैलिटी, और अगर ज्यादा चले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एडिशन हो गई है, अगर क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे मुकर्रर तादाद से तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुई है, मिसिंग हुई है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम में हम क्या लिखते हैं कि इट इज ड्यू टू मिसिंग और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए, अगर क्रोमोसोम कम आ जाए तब एबनॉर्मैलिटी जो है आती है और डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। जैसे कि एक्स जीरो, एक्स है वाई नहीं है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर एक बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मैलिटी होगी, टर्नर्स सिंड्रोम, और टर्नर्स सिंड्रोम को हम कहते हैं ये फीमेल खुसरी है, मादा खुसरी है। और अगर डबल एक्स वाई आ जाए तो एक एक्स एक्स्ट्रा है, यहां पे जो एबनॉर्मैलिटी आती है तो हम कहते हैं ये लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम है, और ये नर खुसरा होता है, मादा खुसरी के लिए ये कंडीशन है, नर खुसरे के लिए ये कंडीशन है। और अगर दो वाई आ जाए तो जो मेल होगा वो सुपर मेल कहलाता है। अब सुपर मेल क्या क्या होता है, सुपर मेल की खुसियात जो है उनमें सबसे पहली खुसियात खासियत ये है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, कब बहुत ज्यादा लंबा होगा तो टॉलेस्ट होगा, और उसकी जो इमोशनैलिटी है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार रहता है। और ये कंडीशन कब बनती है, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, जब गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है तब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तब ये मुख्तलिफ एबनॉर्मैलिटीज आती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स की वजह से एबनॉर्मैलिटी आई है, और ये दोनों कंडीशन में क्या होगा कि पेरेंट्स से एबनॉर्मल जीन या एबनॉर्मल क्रोमोसोम चले जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह की एबनॉर्मल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि किस चीज की वजह से हुई है, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज की वजह से। अब दूसरी कंडीशन ये है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे डेवलपमेंट को मुतासर करते हैं, तो दो कंडीशन आपके सामने हैं, पहली है रेडिएशन और दूसरी है न्यूट्रिशन। अब रेडिएशन का मतलब यह है जैसे शुआएं होती हैं, अगर मेल और फीमेल शुआ के सामने बैठे हुए हैं, शुआएं उसके अंदर से गुजर रही हैं, तो मेल के अंदर स्पर्म इफेक्टेड हो जाते हैं और फीमेल के अंदर एग जो है वो मुतासर होता है, और जो डेवलपमेंट होती है वो भी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी।
और इसी तरह अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, अगर किसी माँ के पेट के अंदर बच्चा मौजूद है और उस माँ को ऐसी खुराक दी जा रही है जिसके अंदर विटामिन्स की कमी है और मिनरल्स की भी कमी है, तो वो जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट, अक्सर बात यह होता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है, और अगर डेथ ना हुई तो उसकी जो है सॉरी डेवलपमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहते हैं ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। और ये जो चीज़ें थी वो किस में आती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर में। अब लास्ट में है मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज। अगर जो बच्चा है वो अपनी माँ के पेट के अंदर है और माँ के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है, जिसको हम एनाबॉलिज्म कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म, और इसके अंदर जो है जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में उनका मजमुआ कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अगर माँ का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से जो एबनॉर्मैलिटीज आती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज हैं, और उनकी वजह से डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ कंडीशन आप देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है अगर मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज आएंगी तो ये मुतासर करती हैं किस चीज की डेवलपमेंट को, ऑर्गन की डेवलपमेंट को, जो बॉडी के ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे। जैसे कि सबसे पहली एग्जाम्पल है माइक्रोसीफेली, जो बच्चा होगा उसका जो सर है वो छोटा होता है, माइक्रो मतलब है स्मॉल और सीफेली कहते हैं हेड को, मतलब माइक्रोसीफेली के अंदर बच्चे का सर जो है बहुत छोटा हो जाता है। और एक और कंडीशन है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट में जो है वो जो लिप्स होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, कट द लिप्स, लिप्स जो है वो कटे हुए होते हैं, और ये भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। और हेक्स और डिजिट्स का मतलब ये है कि बाजू का हमारी तो मतलब नॉर्मल जो इंसान है उनकी उंगलियां 5 होती हैं, और बाजू का ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि 5 की जगह 6 उंगलियां जो है वो उनकी ग्रोथ हो जाती है और 6 उंगलियां बन जाती हैं। एक इंडिया का जो है एक एक्टर भी है तो उसकी भी 6 उंगलियां हैं, उसकी माँ के अंदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी आई होगी जिसकी वजह से उसके अंदर जो उंगलियां बन गई हैं वो क्या है, 6 हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेक्सा डिजिट्स। तो ये हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हमने एबनॉर्मल डेवलपमेंट की बात की है। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन बनते हैं टेराटोलॉजी, टेराटोजेंस, उसके बाद जो है ये कंडीशन आ जाती है कि एबनॉर्मल जीन्स की वजह से कैसे होती है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है, और रेडिएशन कैसे मुतासर करती है, न्यूट्रिशन कैसे मुतासर करती है, और माइक्रोसीफेली किसे कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अगर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उनके नंबर नहीं कटेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।